To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माई YouTube चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैं आज आपको फिर से एक लाइव वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये मैंने आप देख रहे हैं परफेक्ट डेल्टा हेजिंग, इसी के ऊपर मैंने आपको लाइव वीडियो कंटिन्यूसली आपको दे रहा हूँ। मैं 16 मई 17 मई 18 मई और 19 20 का इस वीडियो के अंदर है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर पूरा कंपाइल्ड है 19 20 के बाद में, और उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं 23rd और 24th। मैं आज वीडियो पोस्ट करने वाला लाइव आपको 23rd का लाइव और 24th का लाइव, मतलब कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो मतलब पिछले वीक में कंटिन्यूसली पूरे हर दिन प्रॉफिट था। अभी ये वीक स्टार्ट हुआ है, इसके दो दिन में कंटिन्यूसली प्रॉफिट है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा कुछ भी, अब ये मैं कहूँ कि ये स्ट्रेटजी जो है नो लॉस है या फिर कभी लॉस ही नहीं देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे डेल्टा हेजिंग हो रही है, और जो कॉन्सेप्ट है वह यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर चुका हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ जादू ही नहीं है, कुछ मैजिकल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको सिंपल में लगभग 1.5-2 के आसपास रन करता हूँ, 1 घंटे में उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसी लॉजिक के ऊपर मैं आपको जो है ये दो दिन का भी जो 23rd और 24th का लाइव वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं, ये देखेंगे आप 23rd मई का लाइव। पहले जो है कॉल बाय कर लिया दो लोट, और अब हम यहाँ पुट बाय कर लेते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय कर लिए फॉर द मार्जिन बेनिफिट्स। और यही काम हम टूल के अंदर से भी कर सकते हैं, बट अब मैं यहाँ बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। टूल के अंदर से मैं यही कर सकते हैं, तो ये हमने जो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय कर लिए हैं, ठीक है। अब हम टूल को रन करते हैं। अभी अगर टाइम हो रहा है हमारा 2:08 हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 2:08 हो रहे हैं, टूल को हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा कुछ भी पोजीशन यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, किसी 2:09 हो रहे हैं और अभी तक कोई भी हमारा एंट्री नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पर जो है 2:10 पर हमारी जो है टूल ने ऑटोमेटिकली एंट्री ले लिया था। आप देख सकते हैं 34,400 का कॉलर पुट टूल ने ले लिया था, ठीक है, 2:10 पर। 2:10 पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए टाइमिंग हो रहा है 2:23 के आसपास हमारा ये जो है बीच का मैं रिकॉर्ड करना रह गया था मेरा, लेकिन आप देख सकते हैं 3:05 पर जो है हमारा जो है पहला टारगेट ही बुक हो चुका था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेकिन यहाँ पर जो है 2:03 पर हमारा टारगेट, और सेकेंड एंट्री भी हो गई 2:05 पर हमारा सेकेंड एंट्री भी हो चुका है, ठीक है। 2:05 पर सेकेंड एंट्री हो चुका, और 2:03 पर हमको जो है फर्स्ट टारगेट हमारा बुक हो चुका था, जिसमें 190 रुपये का हमको स्लिपेज मिला, क्योंकि 1000 का हमारा टारगेट था। ये देखिए लगभग 1,100 के आसपास हमारा एमटीएम आ चुका है। दो बज के 20 पर हमारा क्लोजिंग टाइम था, और टूल ने जो हमको यहाँ पर जो है 1024 इसने बुक किया, और चूंकि हमारा हेज जो आउट ऑफ द मनी बाय किए थे उसके कारण थोड़ा सा लॉस के कारण ये था। ये देखो 24th मई का आप 2022 24th मई का लाइव ट्रेड देखिए, 24th मई की लाइव ट्रेड देखिए, यहाँ पर जो है टूल को स्टार्ट किया गया था लगभग 1:50 के आसपास, बट यहाँ पर एंट्री इस दिन हमें एंट्री काफ़ी लेट मतलब मिली है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टूल को मैंने जो स्टार्ट कर दिया था 1:50 पर,
1:50 पर टूल को स्टार्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लंबे देर तक यहाँ पर किसी प्रकार कोई एंट्री नहीं मिलने के कारण फिर मैंने जो है यहाँ पे प्रीमियम को जो है 20 का डिफरेंस से हटा करके 22 किया ताकि हमें जल्द से जल्द मिले। 1:50 पर स्टार्ट करने के बाद भी हमको जो है 2:09 तक भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली। अभी देखो 2:12 पर हमारे जो ऑर्डर पुश हो गए थे और हमारा पहला एंट्री हो गया था। देख सकते हैं आप 2:12 पर हमारा पहला एंट्री यहाँ पर हो चुका था। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला टारगेट बुक हो गया यहाँ पर लगभग 2:35 के आसपास। ये आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ पहला टारगेट हमारा जो है लगभग यहाँ पे स्लिपेज काफ़ी कम मिला हमको। 2:00 आप देख सकते हैं 2:30 पर 2:30 पर हमारा पहला टारगेट बुक हो चुका था और दूसरा भी हमारा एंट्री हो चुका है। देख सकते हैं आप पहला टारगेट बुक हो लेकिन देख रहे हो 24 मई की ट्रेड है हमारी ये। देख सकते हैं आप 2:35 पे हमारा सेकेंड एंट्री हो गई। 2:35 पे हमारी क्या हो गई सेकेंड एंट्री हो गई। और आप मैंने यहाँ पर जो 1200 मैक्सिमम प्रॉफिट 1200 सेट कर दिया। 1200 इसलिए सेट किया कि मतलब मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है शार्पली कहीं गिर ना जाए, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट 1200 सेट कर दिया था। और 1200 के हिसाब से जो है जैसे 1200 टारगेट होगा ओवरऑल तो हम एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी 2:46 के आसपास हो चुके हैं। ये देखिए ये लगभग लगभग आप देखेंगे कि ये 2:55 के आसपास हमारी टोटल पूरी ट्रेड क्लोज हो चुकी है। देख सकते हैं आप डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं इनको पहले। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कि लॉग फाइल में जाकर के हम देखते हैं कि कितना क्या है। ये देखिए हमने टूल की जो पोजीशन स्टार्ट की थी 2:12 पे टूल ने पहला हमारा स्टार्ट किया, पहला एंट्री ली थी और हमने जो है लगभग 2:54 पर हमारी पूरी ट्रेड क्लोज हो गई। लगभग 1,045 रुपये का टूल ने प्रॉफिट बुक किया। स्लिपेज के कारण 1,045 हुआ बट एक्चुअली में हमने यहाँ 1,200 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट डाला हुआ था। आप देख सकते करंट MTM जब 1,335 के आसपास हुआ और जब क्योंकि क्योंकि हमने 1,200 मैक्सिमम प्रॉफिट डाला हुआ था इस वजह से जो है लगभग हमें 1,045 रुपये के आसपास हमें बुक हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है ये हमारा था 24 का लाइव।